एक ही कॉन्सेप्ट इसमें देखना है, क्यों कैसे कुछ नहीं देखना। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लो ये एक ब्लॉक है, ये एक फिक्स पुली है और ये मूविंग पुली है। मूविंग पुली किसे बोलते हैं कि जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ये पुली घूम घूम के ऊपर या नीचे आएगी, इसे मूविंग पुली बोलते हैं। और नीचे ब्लॉक भी है, तो अगर ये इधर आएगा तो पूरा सिस्टम ऊपर जाएगा इंक्लूडिंग पुली इटसेल्फ। तो एक रस्सी है तो टेंशन की वैल्यू टी 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 विल रिमेन सेम। यहां पे थ्रस्ट ऑन दी पुली क्या लगेगा, टू टी, बताया था मैंने। अगर ये टी एन टी है तो ये टू टी है। अब ये याद रखना है कि जहां टेंशन डबल है, यहां टेंशन डबल है इससे, तो यहां एक्सलेशन हाफ होगी इससे, ये रूल याद रखना है। तो अगर यहां टेंशन टी एक्सलेशन ए है, यहां टेंशन टू टी है, तो एक्सलेशन ए बाय टू लेनी है, ये आपने याद रखना है। बाकी इक्वेशन नॉर्मल है। जैसे इक्वेशन क्या बनेगी, 20g माइनस 2t इज 20 इंटू ए बाय टू, पहली इक्वेशन। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, t माइनस 10g साइन 30 इज 10 इंटू ए, सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करके a एंड t कैन बी कैलकुलेटेड। तो अगर बाय चांस ऐसा क्वेश्चन आए तो ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको इसमें क्या करना है, कनेक्टेड मोशन हमने सब ये कर लिया था, बेसिक पुली हमने कर ली थी, इम्पल्स का फॉर्मूला फोर्स इनटू टाइम ये याद रखना है, और इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम चेंज इन मोमेंटम याद रखना है। इसे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी बोलते हैं। तो इम्पल्स जो है वो फोर्स इनटू टाइम P2 माइनस P1 याद रखना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आया हुआ है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आएगा कहीं ना कहीं तो ये बेसिक यूज होता ही है। कंजर्वेशन मोमेंटम के अंदर ये बताया जाता है कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं लगती तो मोमेंटम कंजर्व है। जैसे गोली जब चलती है, बुलेट चलती है, गन पीछे आती है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने सुना होगा M1 V1 M2 V2 है। कैसे, जैसे मान लो गोली नहीं चली, गन और बुलेट रेस्ट पे है तो टोटल मोमेंटम क्या है, जीरो। गोली चली M1 V1 तो गन को पीछे आना ही पड़ेगा विद अ मोमेंटम ऑफ माइनस M2 V2 ताकि नेट मोमेंटम क्या हो जाए इसमें, जीरो। तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम की वैल्यू क्या रहेगी इसमें, सेम क्यों रहेगी, क्योंकि गोली चलने से पहले मोमेंटम जीरो और चलने के बाद भी क्या नहीं चाहिए, जीरो। जीरो तभी आएगी जब जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना ही नेगेटिव मैग्नीट्यूड इसका होगा, तभी आंसर जीरो आए। तो या इन शॉर्ट आप ऐसे याद कर सकते हो M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ऐसे ही अगर बॉम्ब है, बॉम्ब पड़ा हुआ है रेस्ट पे तो इनिशियल मोमेंटम जीरो है, इसके दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा उधर गया M1 V1 तो दूसरा इसके ऑपोजिट आएगा ही आएगा ताकि फाइनल मोमेंटम भी क्या हो जाए, जीरो। तो M1 V1 प्लस माइनस M2 V2 तो M1 V1 M2 V2 इसमें भी लगेगा। अगर बॉम्ब के तीन टुकड़े हो जाएं तो दो टुकड़े परपेंडिकुलर हैं तो तीसरा यहां जाएगा ही जाएगा। रीजन, बॉम्ब फटने से पहले मोमेंटम क्या था, जीरो। फटने के बाद दो पार्टिकल्स का मोमेंटम वेक्टर सम ये होगा M1 V1 स्क्वायर प्लस M2 V2 स्क्वायर का अंडर रूट, तो तीसरा पार्टिकल इधर आएगा ही आएगा ताकि इन दोनों का सम क्या आ जाए, जीरो। तो जब भी न्यूमेरिकल में तीन पार्टिकल्स टूटेंगे तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, ठीक है यहां तक। कभी भी कोलिजन होगी, कोलिजन मतलब टक्कर हो रही है दो बॉडीज की, मोमेंटम कंजर्व है, तो कोलिजन से पहले मोमेंटम M1 U1 प्लस M2 U2 इज M1 V1 प्लस M2 V2 ये रूल लगेगा। 2D कोलिजन 2D में करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। एक और जगह मोमेंटम कंजर्व होता है, एक स्पेशल टाइप की कोलिजन है जिसमें एक बुलेट है, एक बुलेट आ रही है M विद अ वेलोसिटी ऑफ V और एक ब्लॉक है, और ब्लॉक किसके ऊपर पड़ा हुआ है, एट रेस्ट पे पड़ा हुआ है, ब्लॉक रेस्ट पे है, मास इसका कैपिटल M है। तो आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, ये बुलेट इसके अंदर घुस गया तो टोटल मास की वैल्यू क्या हो गई, M प्लस M, और कॉमन वेलोसिटी क्या हो गई, VC। तो टक्कर से पहले मोमेंटम क्या होगा, MV, और इसका मोमेंटम क्या है, जीरो। टक्कर के बाद इसका मोमेंटम क्या होगा, M प्लस M इंटू कॉमन वेलोसिटी क्या है, VC। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। तो कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम जब आए तो बुलेट ब्लॉक के अंदर जब रेस्ट पे आएगा और कंबाइंड मूव करेंगे तो आप टोटल मोमेंटम टक्कर से पहले और टक्कर के बाद विल रिमेन सेम, ये रूल याद करेंगे। नेक्स्ट है इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बाद, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, ये मैंने करा दिया था। अगर बॉल जा रही है, टक्कर खा के वापस आ रही है तो चेंज इन मोमेंटम 2mv, ये मैंने लास्ट टाइम किया था। नेक्स्ट, जैसे XT ग्राफ गिवन है, XT ग्राफ की स्लोप क्या देती है, वेलोसिटी। तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है 0 से 2 सेकंड में, तो स्लोप निकाल देना 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर स्लोप 0 है तो वेलोसिटी की वैल्यू भी 0 है। वो पूछेगा 2 सेकंड पे अगर बॉडी का मास 0.1 kg है तो बताओ 2 सेकंड के ऊपर मोमेंटम क्या है,
इंपल्स क्या है बॉडी का ये बताओ, इंपल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम, एम वी टू माइनस एम वी वन, मास 0.1 है, फाइनल वेलोसिटी क्या है बॉडी की 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बॉडी की 2, आंसर। तो ये क्या आ गया, इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक, तो इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम आ गया। नेक्स्ट है, सपोज दो पुलीज हैं, टेंशन इधर देख रहे हो, एक रस्सी जा रही है यहां से घूम के इधर से घूम के इधर आ रही है, तो टेंशन टी 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 एंड टी, यहां पे थ्रस्ट ऑन दी पुली क्या हो जाता है, टू टी। इक्वेशन बनानी सिखाई मैंने कि अगर मैं इसको खींच रहा हूं द फोर्स ऑफ 2mg और एक्सेलरेशन a है, तो यहां की एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगी, मैंने बताया a by 2, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 2t minus mg is m into a by 2, और यहां पर t is equal to 2mg क्योंकि यहां ब्लॉक तो लगा ही नहीं हुआ, मास तो है ही नहीं, फोर्स है। तो ये कॉन्सेप्ट लगाना है, देखो ये चीज़ें छोड़ तो रहा हूँ लेकिन आप बुकलेट से रिवाइज करेंगे, ऐसा नहीं है। देखो मैं मेजर मेजर चीज़ें बता रहा हूँ जो मुझे प्रोबेबिलिटी लगती है कि आए, आने को तो कुछ भी आ सकता है, जैसे ये लेंथ टाइम मेजरमेंट तो कुछ नहीं करना है इसमें से, ये शीट्स मैंने अपलोड करवा दी हैं स्कूल हेड पे वैसे, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है नेक्स्ट तो फ्रिक्शन स्टार्ट है सीधा, ठीक है। फिर जितना हमने काम किया फोर्स पे, यहां से स्टार्ट करते हैं, हमने कुछ क्वेश्चन तो लास्ट टाइम कर भी लिए थे, ठीक है, ये हमने कर लिया था, ये हमने कर लिया था, दो तीन क्वेश्चन हमने किए थे, हमने यहां तक कर लिया था, हमने यहां से करना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये देखना है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, क्यों, देखो रूल नंबर वन, R वेक्टर गिवन है, इसको डिफरेंशिएट करके क्या आएगी, V वेक्टर, तो डिफरेंशिएट करके V वेक्टर, V वेक्टर की डिफरेंशिएशन क्या देगी, A वेक्टर, तो A वेक्टर के अंदर क्या आएगा, G कैप, जिस तरफ A वेक्टर है उस तरफ नेट फोर्स है, तो बॉडी की डायरेक्शन में वही होगी, तो नेट फोर्स अगर जे कैप है तो आंसर वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्या करेंगे बताओ, इसमें इसमें हाइएस्ट इम्पल्स किस में होगा ये बताना है, क्या निकालूं, निकालूं क्या इसमें, कैसे, एरिया, एक्सिस फोर्स वर्सेस टाइम है, इंपल्स क्या है, ये एक्सटी ग्राफ नहीं है भाई, ये एफटी ग्राफ है, तो फोर्स इनटू टाइम क्या है, चेंज इन मोमेंटम इंपल्स है, तो आप सबका एरिया निकालेंगे, जिसका एरिया बड़ा होगा वो सबसे मैक्सिमम इंपल्स होगा, तो सही है, आसान क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आंसर है,
तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें ऐसे करेंगे कि आपके पास ये जो फोर्स है वो कितनी होगी, 4g sin 6t। यहाँ पे क्या होगी टेंशन टी एन टी, यहाँ पे भी क्या होगी टेंशन टी एन टी, यहाँ पर क्या होगी 1g sin 30। ये मान लो इधर आ रहा है, ये मान लो इधर आ रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 4g sin 60 माइनस टी इज 4 into a, इक्वेशन नंबर वन। और ये ऊपर आ रहा है तो टी माइनस 1g sin 30 इज इक्वल टू 1 into a, इक्वेशन नंबर टू। सॉल्व करके a एंड t कैन बी कैलकुलेटेड। तो आसान है, समझ में आ रहा है करना क्या है इसमें, क्या रहा है बी, इसका आंसर डी है डी। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसमें। जैसे ये क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन है, फोर्स एक्ट्स फॉर 20 सेकेंड, ठीक है, ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 kg। तो ये 20 kg है, तो इसमें फोर्स एक्ट कर रही है कितनी देर के लिए, फोर्स एक्ट कर रही है फॉर कितनी देर के लिए, 20 सेकेंड के लिए, 20 सेकेंड के लिए फोर्स एक्ट कर रही है, और उसके बाद फोर्स रुक गई लगनी। तो बॉडी डिस्क्राइब 50 meter इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, तो 50 meter बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है कितनी देर में, इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। जब तक फोर्स लग रही है तब तक तो एक्सेलेरेशन है, जब तक फोर्स नहीं लग रही तो एक्सेलेरेशन जीरो है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी की वैल्यू होगी क्या, 50 को 10 से डिवाइड करेंगे 5 meter per second, यानी कि इस इंस्टेंट पर भी वेलोसिटी क्या रहेगी, 5 5 5 5 5। तो इस जर्नी के लिए इनिशियली बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई, तो वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर is 2 into a into s, नहीं नहीं v is equal to u plus at लगा लो। तो इसके लिए लगाओ v is u plus at, v की वैल्यू कितनी है इसमें 5, u की वैल्यू क्या है 0, acceleration a और टाइम 20, तो क्या आ गई acceleration, acceleration आ गई, तो acceleration क्या होती है, force क्या होता है, mass into acceleration, answer आएगा। method समझ में आ रहा है कि क्या करना है। वर्क एनर्जी पार्क की अगर आपके पास बुकलेट पड़ी हो ना लास्ट ईयर की, पहला न्यूमेरिकल यही था, पहला एनसीईआरटी का एसएल रोड का पहला न्यूमेरिकल यही था, मेरी बुकलेट का पहला न्यूमेरिकल यही है, दिखा दूंगा अभी आपको वर्क पार्क के अंदर। लगता है कि हर बुक का ना पहले 4 न्यूमेरिकल बस कंप्यूटर में डाल दिए, मेहनत नहीं की ज्यादा बनाने में। नेक्स्ट देखो उसे मैग्नीट्यूड पूछा, सी एंड बी, राइट। देखो ये कौन सा ग्राफ है, मोमेंटम एंड टाइम का ग्राफ है, आपको क्या निकालना है, रीजन ऑन द ग्राफ वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। फोर्स क्या होता है, डीपी बाई डीटी, मोमेंटम एंड टाइम फोर्स है, मोमेंटम एंड टाइम है, तो इसकी स्लोप क्या होगी, फोर्स है। तो इसके अंदर उसे मैग्नीट्यूड ऑफ बोला, मैग्नीट्यूड मतलब नेगेटिव स्लोप ना लो, मैग्नीट्यूड लो। सबसे ज्यादा स्लोप किसकी है, सी की, उसके बाद ए की, उसके सबसे कम बी की। तो मैक्सिमम फोर्स सी में, मिनिमम फोर्स बी में आंसर है। एक बार कर लिया, 100 बॉल्स हैं, रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई, तो 2 mv मोमेंटम है, 100 बॉल्स हैं, लास्ट टाइम कर रहा था ना प्लेट वाला क्वेश्चन भी,
सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है। नेक्स्ट, टॉपिक था पुश एंड पुल, पुश एंड पुल, ये वही है पुश एंड पुल, न्यूमेरिकल दे दिया। ए है, इसमें क्या करेंगे, ये फोर्स एक्ट कर रही है। देखो जब ये फोर्स ऐसे होती है ना, इसको आगे ले जाओ एफ ऐसे, तो ये फोर्स है, तो इसके अंदर ये एंगल भी क्या हो जाएगा 30। तो फोर्स का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है कितना एफ कॉस 30, और एक नीचे की तरफ है कितना एफ साइन 30। इसका बॉडी का वेट क्या है 70 g, नीचे की तरफ 70 g, तो नॉर्मल रिएक्शन कहां पर है ऊपर। आपको क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा, वेट तो होगा ही होगा प्लस एफ इनटू साइन ऑफ क्या होगा 30। एफ की वैल्यू पुट कर लेना यहां पर कितनी है 200, आंसर निकाल लेना, तो एन आएगा। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से फ्रिक्शन स्टार्ट है, रुक जाओ। तो वापस चलते हैं अपनी इस टॉपिक पे, क्योंकि अब फोर्स एंड फ्रिक्शन मिक्स होके आएगा। तो पहले अपने बुकलेट की न्यूमेरिकल करवाता हूँ, फिर आपको न्यूमेरिकल दूंगा करने के लिए, आप ट्राई करना। बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो हम बुकलेट में करेंगे। रूल नंबर वन, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अपोजिंग फोर्स है। रूल नंबर वन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अंदर ये कहानी यहाँ से स्टार्ट है कि स्टैटिक और काइनेटिक दो किस्म की फ्रिक्शन होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉडी रेस्ट पर रहती है, काइनेटिक में बॉडी स्लाइड करती हुई जाती है, घिसटती हुई जाती है। तो सबसे पहले मान लो एक बॉडी है, एक बॉडी को अपनी जगह से हिलाने के लिए मान लो 10 न्यूटन की फोर्स चाहिए। ठीक है, एक बॉडी को अपनी जगह से हिलाने के लिए 10 न्यूटन की फोर्स चाहिए। तो 10 न्यूटन की फोर्स चाहिए, आपने कितनी अप्लाई की 1 न्यूटन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी 1 न्यूटन, बॉडी रेस्ट पर रहेगी। आप जो अप्लाई करेंगे 2 न्यूटन तो 2, 3 है तो 3, 5 है तो 5, 10 है तो 10, रेस्ट पे। ये सब कौन सी फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि बॉडी किस पे रहेगी एट रेस्ट। लेकिन अगर आपने फोर्स इससे ज्यादा लगा दी तो बॉडी मोशन में आ जाएगी, तो कौन सी फ्रिक्शन है, काइनेटिक। काइनेटिक मैक्सिमम स्टैटिक से कम होती है, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन है वो लास्ट स्टैटिक फ्रिक्शन है, जिसको मैक्सिमम स्टैटिक बोलते हैं या जिसे लिमिटिंग बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद जो फ्रिक्शन है वो सारी की सारी क्या है, वो काइनेटिक है, काइनेटिक थोड़ी सी कम हो जाती है, फिर वो कांस्टेंट अचीव कर लेती है। तो अगर ग्राफ की बात करें तो स्टैटिक अपनी वैल्यू को पहले इंक्रीज करती है, डिपेंडिंग अपॉन क्या अप्लाइड फोर्स है मैक्सिमम होती है, और फिर काइनेटिक आ जाती है, इसका ग्राफ है। अब मैं न्यूमेरिकल अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं एफ इज इक्वल टू म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन का, उस फॉर्मूले से या तो मैं ये निकाल सकता हूं या मैं ये निकाल सकता हूं, मैं ये नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये सब फोर्स अप्लाइड के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मुझे काइनेटिक निकालना है या मुझे मैक्सिमम स्टैटिक निकालनी है, तो दो किस्म के कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है, म्यू एस और म्यू के। तो कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, अगर मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला यूज करता हूँ म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, फिर तो आता है ये मैक्सिमम स्टैटिक। और अगर मैं यूज करता हूँ म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो फिर मेरे पास आती है काइनेटिक। तो दो चीजें मुझे चाहिए। अब इसमें सॉल्व करने का क्या तरीका है, मान लो आपको एक ब्लॉक दे दिया उसने और म्यू एस म्यू के दोनों दे दिए, आपने फोर्स क्या लगाई इसमें 1 न्यूटन, आपको बताना है इसमें फ्रिक्शन कितनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या ये बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी, दो चीजें हो सकती हैं। अगर तो ये स्लाइड करेगी
तो काइनेटिक फ्रिक्शन है, और अगर ये स्लाइड नहीं करेगी, रेस्ट पे है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो कोई भी आंसर हो सकता है। हमें चेक करना पड़ेगा कि ये स्लाइड करेगी या नहीं करेगी। चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहां पे हम स्टैटिक से यूज शुरू करेंगे अपना काम। म्यू एस और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन। जब आप म्यू एस की वैल्यू पुट करके नॉर्मल रिएक्शन पुट करेंगे तो आंसर 50 न्यूटन आ गया। इसका मतलब इस बॉडी को अपनी जगह से हिलाने के लिए कम से कम 50 न्यूटन चाहिए, पर हमने कितनी लगाई, 1 न्यूटन। तो ऑब्जेक्टिव में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या मार्क करोगे, 50 की एक एक, क्योंकि जो आपने फोर्स अप्लाई की वही स्टैटिक फ्रिक्शन इसमें काउंट होगी। तो 50 का मतलब तो बॉडी को हिलाने के लिए फोर्स चाहिए, जो आपने फोर्स अप्लाई की वही फ्रिक्शन मानी जाएगी, तो आंसर एक अप्लाई करना है। लेकिन अगर आपने इसी में 100 न्यूटन फोर्स लगा दी होती तो अगर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी को हिलाने के लिए फ्रिक्शन चाहिए कितनी, 50 न्यूटन, आपने कितनी अप्लाई की, 100 न्यूटन, तो बॉडी मूव करेगी तो कौन सी फ्रिक्शन है, काइनेटिक। अगर काइनेटिक है तो काइनेटिक कैलकुलेट करनी पड़ेगी, म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन, ये आंसर आएगा। स्टैटिक में तो कुछ करना नहीं होता, जो आपने फोर्स अप्लाई की वही स्टैटिक आ जाती है। काइनेटिक में अलग से फॉर्मूला लगाना पड़ता है, म्यू के इनटू एमजी। क्या ये स्टेप क्लियर है, डिफरेंस समझ में आ रहा है न्यूमेरिकली कि स्टैटिक और काइनेटिक का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते हैं, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, इसमें ये देखो, तो फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है। अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्टैक्ट फोर्स का। कॉन्टैक्ट फोर्स पूछी जाती है पेपर में, दो किस्म की कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं। एक सपोज आपके पास ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को अगर मैं यहां मूव करवाने की कोशिश करता हूं तो ग्राउंड इसे फ्रिक्शन कहां लगाएगी, पीछे। तो बाय रिएक्शन ये ग्राउंड के ऊपर भी फ्रिक्शन लगाएगा आके। वो अलग बात है कि ग्राउंड की फ्रिक्शन ग्राउंड को कौन हिला लेगा, हम ये लेते नहीं है, पर एक्चुअल में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट होती है। तो ये फोर्स फ्रिक्शन क्यों आई, क्योंकि ये ब्लॉक ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में था इसलिए आई। दूसरा, इस ब्लॉक ने ग्राउंड के ऊपर फोर्स कितनी लगाई, एमजी। ये फोर्स ग्राउंड की फोर्स है, तो ग्राउंड बदले में इसके ऊपर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन एन। क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, अगर कॉन्टैक्ट में ना होता तो नॉर्मल रिएक्शन ना लगता। तो इस ब्लॉक पे दो कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं एन एंड एफ। क्वेश्चन में पूछा जाएगा फाइंड नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगी, अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। आंसर क्या, स्टेप क्लियर है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्राउंड के ऊपर नेट कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, ये रहा अंडर रूट ऑफ कितना, एफ स्क्वायर प्लस एम। वो अलग बात है कि इसका इसका मैग्नीट्यूड सेम होता है। मेथड समझ में आ रहा है, वो सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्स देगा, आपको रिजल्टेंट खुद निकालना होगा पेपर में। एन और एफ जब दो गिवन होते हैं तो एन और एफ का रिजल्टेंट निकालना होता है। तो ये रूल भी समझ में आ गया कॉन्टैक्ट फोर्स का। नेक्स्ट है, कॉन्टैक्ट फोर्स के बाद ये ग्राफ हमने कर लिया, कॉन्टैक्ट फोर्स के बाद है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है कि मान लो ये एक बॉडी है और ये बॉडी किस पे पड़ी हुई है, एट रेस्ट पे। आपने यहां फोर्स लगाई और इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो मैक्सिमम स्टैटिक है, मैक्सिमम स्टैटिक है, जिसकी वैल्यू कितनी है, म्यू एस इंटू एम जी। और इसके ऊपर एक और फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर की तरफ है। तो इन दोनों कॉन्टैक्ट, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स ये रही, इस नेट कॉन्टैक्ट फोर्स ने नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाया इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू अगर म्यू टाइम एम जी है तो इसकी वैल्यू भी म्यू एस टाइम्स एम जी होगी। इसमें टैन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, म्यू एस इंटू एम जी डिवाइडेड बाई नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन भी यहां पर क्या है, एम जी, एम जी एम जी कैंसल, टैन ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, ये फॉर्मूला आ गया टू कैलकुलेट एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इसमें थीटा है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, जो रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन टैन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस इसका फॉर्मूला है। उसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट है जिसको एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज है कि अगर मान लो आपने इस बार ब्लॉक को जमीन में ही रखा, इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया, और इंक्लाइन प्लेन पे ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है और इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फिर से क्या ऐड कर रही है, मैक्सिमम स्टैटिक। कौन सी फोर्स नीचे लेके जा रही है, एम जी साइन फाइव, एम जी कॉस फाइव। तो इंक्लाइन प्लेन का वो मिनिमम एंगल कि ब्लॉक रेस्ट पे रहे स्टैटिक, इसको क्या बोलते, अगर आपने एंगल बढ़ा दिया तो ये मोशन में आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। ये फाइ, तो ये फाइ,
तो अगर ये mg sin phi है तो ये भी mg sin phi है, ये mg cos phi है, तो tan of phi की वैल्यू क्या आएगी, mg sin phi डिवाइडेड बाय mg cos phi, कट गया, tan of phi क्या आएगा, फिर से एक बार यहां पर मुझे काम करना पड़ेगा क्योंकि बॉडी रेस्ट पे, ये लगाना चाहिए मुझे क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है, तो mg sin phi इसके इक्वल होगा मैक्सिमम स्टैटिक म्यू एस इन टू एम जी कॉस थीटा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन यहां पर क्या है, एम जी कॉस फाइव कॉस फाइव, तो यहां से एम जी से एम जी कैंसल, तो टेन फाइव की वैल्यू यहां से क्या जाएगी, म्यू टाइम्स एस, सेम आंसर है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल लो, एंगल ऑफ रिपोज निकाल लो, तरीका दोनों का, मैथमेटिकल फॉर्मूला दोनों का एंड में सेम ही आएगा। कम यूज होता है पर चलो मैंने बता दिया। एक टॉपिक था इज इट इजियर टू पुश या पुल, याद है पुश पुल के ऊपर क्वेश्चन आता है, आज मैंने करके भी दिखाया भी आपको सेम। तो अगर आपने इसको पुल किया तो डायग्राम देख लो, पुल करने में आपने एफ फोर्स से पुल किया मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, एफ के दो कंपोनेंट है एफ कॉस एफ साइन, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है आर और वेट क्या है डब्ल्यू, तो इसके अंदर अपवर्ड फोर्स क्या है आर, अपवर्ड फोर्स क्या है एफ एफ साइन थीटा, और डाउनवर्ड फोर्स क्या है डब्ल्यू। वो पूछ सकता है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, जैसे अभी एक न्यूमेरिकल किया भी था, उसे क्या बताया फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, ये तो यही से न्यूमेरिकल लेके आया वो फाइंड नॉर्मल रिएक्शन आंसर। तो उसी तरीके से वो ऐसा भी पूछ सकता है, उसने ये दिया था क्वेश्चन, उसने पुश का दिया है, तो ये फोर्स है एंगल थीटा के साथ लग रहा है, तो ये भी थीटा है, डायग्राम यहां बनेगा एफ कॉस एफ साइन, तो एफ साइन थीटा नीचे डब्ल्यू भी नीचे आर ऊपर, तो नॉर्मल रिएक्शन इस पर क्या होगा डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा, ये क्वेश्चन आया था पेपर में, तो पुश पुल से न्यूमेरिकल बना दिया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है पुश और पुल का, ये डायग्राम कैसे बनेगा इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये हमने कर लिया, जैसे ये रहा, मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है और एक ब्लॉक है, इंक्लाइन प्लेन और ब्लॉक के बीच में म्यू एस म्यू के गिवन है, मान लो म्यू काफी छोटा होता है पर चलो मान लो ये गिवन है। अब दो केस हैं, वो कहेगा फ्रिक्शन की फोर्स निकालो इसमें कितनी है। अब दो केस हैं, पहला क्या ये बॉडी स्लाइड करेगी या रेस्ट पे रहेगी, अगर रेस्ट पे रहेगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन आंसर है, अगर स्लाइड करेगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन आंसर है। चेक करने के लिए म्यू एस की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन करेंगे तो यहां से मैक्सिमम स्टैटिक आएगी 43.3। इस बॉडी को अपनी जगह से हिलाने के लिए कम से कम कितनी फोर्स चाहिए, 43.3। नीचे लाने के लिए फोर्स लग कौन सी रही है, 1g sin 30, 1g sin 30 होता है 5 न्यूटन, हिलाने के लिए कितनी चाहिए 43.3 न्यूटन, हमारे पास कितनी हिलाने के लिए 5 न्यूटन, की बॉडी नहीं हिलती, तो कौन सी फ्रिक्शन रोल पे करेगी स्टैटिक, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या आंसर मार्क करोगे 5 न्यूटन, 43 नहीं 5 न्यूटन, कि जो आपने फोर्स अप्लाई की वही फ्रिक्शन है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने म्यू एस और म्यू के ही चेंज कर दिया, ठीक म्यू एस म्यू के चेंज कर दिया, बॉडी को हिलाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन सॉल्व करके आ गया 433 न्यूटन, और मेरी बॉडी के ऊपर नीचे लाने की फोर्स है कितनी, इतनी 500 न्यूटन, मेरी बॉडी नीचे ज्यादा फोर्स से आ रही है और रोकने के लिए फोर्स चाहिए 433 न्यूटन, तो बॉडी स्लाइड करेगी तो क्या आंसर होगा फ्रिक्शन का, कौन सी फ्रिक्शन रोल प्ले करेगी काइनेटिक, म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज एमजी कॉस 30, तो यहां से पुट कर लेना आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे करना है इसमें, ठीक। नेक्स्ट चेन वाली प्रॉब्लम, अगर आपके पास एक चेन है और टेबल पे पड़ी हुई है और उसका कुछ पार्ट हैंग कर रहा है, तो आपको मैक्सिमम चेन नीचे लटकानी है, कि अगर आपने इससे ज्यादा लटका दी तो ये चेन नीचे गिर जाएगी। तो चेन नीचे क्यों गिर रही है, इसका लटकता हुआ वेट, लटकती चेन का वेट इसको नीचे गिर रहा है, क्यों नहीं नीचे गिरेगी, यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको बचाएगी। तो अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बड़ी हो जाती है वेट ऑफ हैंगिंग पोर्शन, तो चेन नीचे नहीं गिरेगी, और हम भी चाहते हैं चेन नीचे ना गिरे और वाई मैक्स की वैल्यू आए। तो ये बताओ कि इसके अंदर वाई मैक्स का वेट कैसे निकलेगा, मास कैसे निकलेगा, तो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर लेंथ एल है तो मास एम है, वन है तो एम बाई एल है, और अगर लेंथ वाई मैक्स है तो इतना मास है, तो हैंगिंग पोर्शन का मास आ गया, टेबल पे पड़ी हुई चेन की लेंथ है तो इसका भी मास आ गया। ये क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इसका वेट होगा, ठीक, तो हैंगिंग पोर्शन का वेट क्या होगा ये रहा, और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, टेबल पे पड़ा हुआ जो चेन है उसका वेट होगा। तो यहां से सॉल्व करके वाई मैक्स कैन बी कैलकुलेटेड। तो रूल समझ में आ रहा है कि इसमें लॉजिक क्या लगेगा इसमें, ठीक।
जैसे नेक्स्ट है, एक बॉडी है और क्वेश्चन में दे रहा है कि वो जी बाई फोर एक्सलेशन से नीचे आ रही है, तो आपको म्यू के निकालना है। बड़ा सिंपल रूल है, बॉडी स्लाइड करते हुए नीचे आ रही है, काइनेटिक फ्रिक्शन रोल प्ले करेगी, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एम जी साइन 30 माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मास इनटू जी बाई फोर, यहाँ से सॉल्व करके म्यू किया जाएगा। ठीक है, ये मेन्स में 2023 में ये भी आया हुआ है, अभी दिखाऊंगा अभी आपको करने के लिए, मतलब बहुत ही बेसिक पहला पहला न्यूमेरिकल आप ये देखो। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखो इसमें क्या गिवन है आपको, ये वो पुश केस है, पुश पुश कर रहा है, तो पुश वो किया, पुश एंड पुल सेम केस है, तो फोर्स लगा रहा है एफ एट एन एंगल ऑफ थीटा विद वर्टिकल, तो आपको ये बताना है कि एफ की वैल्यू क्या होगी व्हेन अ बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग। ये इंपॉर्टेंट है, जब वो लिखेगा बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग या मूविंग, इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या होगी, जीरो। तो आगे और पीछे की फोर्स बराबर करनी है, कोई बड़ी नहीं कोई छोटी नहीं, मूव तो करेगी पर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, एफ, एफ के दो कॉम्पोनेंट एफ कॉस एफ साइन, नॉर्मल रिएक्शन एन और वेट एम जी। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कैसे निकलती है, ऊपर की फोर्स क्या है एन और नीचे की फोर्स क्या है एम जी और एफ कॉस थीटा, तो क्या बनेगा एन इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ कॉस थीटा, तो एन आ गया हमारे पास। और मुझे पता है कि ये एक्सीलरेशन तो है नहीं, तो राइट की फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट की फोर्स, तो एफ साइन थीटा इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ, तो एफ न्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पुट करके एफ आ जाएगा, ये मार्क कर लेना। एक और पार्ट आता है कि कंडीशन बताओ, बॉडी जब मूव करेगी तो एफ पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव के लिए डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, म्यू कॉस थीटा राइट पे ले जाओ, साइन बाय कॉस टैन, तो टैन थीटा ग्रेटर देन म्यू पे बॉडी विल स्टार्ट मूविंग, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, लॉजिक क्या लगेगा इसमें। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट फोर्स निकालनी है। इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपके पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैंने 12 न्यूटन की फोर्स से दबा के रोक के रखा हुआ है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी क्या लग रहा है इसमें, 12 न्यूटन ही लग रहा है। इस बॉडी का अपना वेट 5 न्यूटन है, दीवार और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है, ये ब्लॉक नीचे गिरने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन ऊपर एक्ट करेगी। अब फ्रिक्शन होगी कितनी, सबसे पहले इसमें म्यू आपको गिवन है, अब म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन निकालने, इसमें नॉर्मल रिएक्शन 12 है, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन करके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, फोर्स कितनी आएगी 5 न्यूटन, ओ सॉरी फोर्स कितनी आएगी 7.2 न्यूटन। इस ब्लॉक को दीवार से हिलाने के लिए कम से कम फोर्स कितनी चाहिए, 7.2 न्यूटन। आपका वेट कितना है बॉडी का, सिर्फ 5 न्यूटन, तो ये बॉडी नहीं हिलेगी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी काउंट होगी, 5 न्यूटन, 7.2 नहीं करना 5 न्यूटन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी 5 न्यूटन, उसे कॉन्टैक्ट फोर्स बोला, तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है फ्रिक्शन, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, इन दोनों का वेक्टर सम 5 और 12 का क्या आएगा, 13 इज द आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट, अगर मान लो आपके पास, आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन है कि एक बॉडी है, ये एक बॉडी और ये ए एक्सेलरेशन है इसके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मास 10 kg है और यहाँ फ्रिक्शन प्रेजेंट है, कोई फोर्स नहीं लगा रहा मैं, बस एक्सेलरेशन देके छोड़ दिया, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो अल्टीमेटली ये बॉडी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, स्टॉप होगी, रिटार्डिंग, इसमें रिटार्डेशन होने वाली है। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि म्यू की, म्यू के बताओ क्या होगा, क्योंकि इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन से ये बॉडी रुकेगी, तो आपने क्या लगाना है, इसके अंदर फोर्स कितनी है एम ए, ये सारी फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन क्या कर रही है, इसे ओवरकम कर देगी और रुक जाएगी बॉडी, तो कहने का मतलब रिटार्डेशन प्रोड्यूस होने वाली है, तो m से m कैंसल, यहां से म्यू के की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। तो जो बॉडी स्लाइड करती हुई जाएगी तो m में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल कर देना है, ठीक है, a नेगेटिव आएगा, इसमें बात अलग है, तो फ्रिक्शन भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि 10 kg की बॉडी है, मैंने यहां पर फोर्स लगाई 15 न्यूटन की, फ्रिक्शन प्रेजेंट है और फ्रिक्शन प्रेजेंट है और मुझे म्यू के की वैल्यू निकालनी है क्या है, और साथ में मुझे ये भी पता है म्यू के की जो वैल्यू है या ए की वैल्यू मुझे पता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ए है, ए का मतलब एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन नहीं है, मैं धक्का मार के स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ, फिर म्यू के निकालना है। तो ऐसे केस में
इक्वेशन क्या बनेगी, आगे की फोर्स माइनस पीछे की काइनेटिक फ्रिक्शन इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से ये इक्वेशन बनेगी। तो जब हम फोर्स नहीं लगाते तो ये इक्वेशन बनती है, जब फोर्स लगाते हैं तो ये इक्वेशन बनती है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कब कौन सी इक्वेशन, ये दोनों पे क्वेश्चन आए हुए हैं मेंस में अंदर, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लगेगी, अभी दूंगा करने के लिए। नेक्स्ट सपोज करो आपके ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक की प्रॉब्लम बोलते हैं इसे, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक की प्रॉब्लम कुछ ऐसी हैं कि मान लो आपके पास दो ब्लॉक्स हैं, एक 4 kg की एक 2 kg की, आपने इसके ऊपर 2 N की फोर्स लगाई। अब दो केस हो सकते हैं, ये तो स्मूथ है, या तो 2 और 4 kg इकट्ठे मूव करेंगे, 2 और 4 kg इकट्ठे मूव करेंगे, या फिर 2 kg आगे चलेगा 4 kg पीछे पीछे आएगा, तो इनके बीच में स्लाइडिंग होगी, देयर मस्ट बी काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग होगी, ठीक है यहां तक। तो इस केस में ये चेक करना पड़ेगा कि क्या इनकी सेपरेशन होगी, अगर इनकी सेपरेशन नहीं होगी इकट्ठे मूव करेंगे फिर तो इनके बीच में कौन सी फ्रिक्शन है, स्टैटिक, और अगर इनके घिसटते हुए जाएंगे एक दूसरे के ऊपर तो कौन सी फ्रिक्शन है, काइनेटिक। तो चेक करें, सबसे पहले काम करते हैं स्टैटिक, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन क्या है 2g, तो यहां पर मैक्सिमम स्टैटिक कितनी है 0.5 × 2g जो कि कितना है 10 N, इनको सेपरेट करने के लिए कम से कम कितनी फोर्स चाहिए 10 N, मैंने कितनी लगाई 2 N, तो यानी कि ये सेपरेट नहीं होंगे इकट्ठे ही मूव करेंगे, भी तो कॉमन एक्सलेशन है। तो क्वेश्चन आएगा इनके बीच में फ्रिक्शन बताओ क्या होगी, फिर आपके पास और कोई फॉर्मूला नहीं है, फ्री बॉडी डायग्राम ही है और कोई तरीका ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 2 N की फोर्स यहां लग रही है तो फ्रिक्शन पीछे है एफ स्टैटिक, और इसने इसके ऊपर भी फ्रिक्शन लगाई, फ्री बॉडी डायग्राम 2 kg का ये बनेगा 2 और F के साथ और 4 kg का F के साथ, तो ये दोनों आगे जा रहे हैं, तो 2 − F = 2A, F = 4 × A, इन्हें सॉल्व करके F की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, और कोई तरीका नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन आपको अगर ये पता लग गया कि दो बॉडी सेपरेट नहीं होंगी तो फ्री बॉडी डायग्राम से स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। लेकिन अगर आपने फोर्स लगाई 200 N और सेपरेट करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए थी 10 N, अब इनकी सेपरेशन होगी, जब ये सेपरेशन होगी तो इसकी एक्सलेशन A1 अलग होगी, इसकी एक्सलेशन A2 अलग होगी, एक्सलेशन डिफरेंट होंगे क्योंकि अलग अलग स्पीड से ही मूव करेंगे। तो लेकिन इनके बीच में जो फ्रिक्शन होगी वो स्टैटिक नहीं होगी, वो क्या होगी, वो काइनेटिक होगी। तो काइनेटिक निकालनी सबसे आसान है, उसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम चाहिए ही नहीं, μK × normal reaction आंसर 8 N। तो पहले 2 kg के लिए डायग्राम बनेगा 200 − static friction 8 N और नीचे वाली बॉडी के लिए आगे की तरफ 8 N। तो ऐसे केस में फ्रिक्शन नहीं पूछता, फ्रिक्शन तो ईजी है निकालनी μK × mg, ऐसे केस में पूछेगा एक्सेलेरेशन क्योंकि दोनों की एक्सेलेरेशन डिफरेंट है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 200 − 8 = 2A और यहां से 8 = 4A2, तो A1 and A2 कैन बी कैलकुलेटेड। तो यानी कि अगर तो इनकी सेपरेशन नहीं होगी फिर तो स्टैटिक है, फ्री बॉडी डायग्राम से स्टैटिक निकाल लेना, अगर सेपरेशन होगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला लगा लेना और अलग अलग एक्सेलेरेशन निकाल लेना। बस ये दो केस हैं, दो में से कोई एक वैसे आया नहीं हुआ, आ जाए तो ये टेक्निक यूज करनी है, ठीक। जैसे क्वेश्चन है आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है और इस पर फ्रिक्शन नहीं है, तो अगर फ्रिक्शन नहीं है वी वेलोसिटी से बॉडी नीचे लैंड करती है, और आपके पास अगर फ्रिक्शन है तो V/N वेलोसिटी से बॉडी लैंड करती है, तो आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना है, ऐसा ऑप्शन होगा म्यू की वैल्यू निकालनी है क्या है। तो चलो क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व होगा, पहले केस में यू क्या है, 0 है, बॉडी नीचे आ रही है, फ्रिक्शन नहीं है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, सिर्फ जी साइन थीटा, बात खत्म, जी साइन थीटा। तो इसमें V² − 0² = 2 × g sin θ × s फर्स्ट इक्वेशन में जाएगी। दूसरे केस में फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन के केस में एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, नीचे की फोर्स mg sin θ − φ μ · cos θ is ma, तो एक्सेलरेशन आ गई, तो फिर लगाएंगे V² − u² = 2 as, फिर दोनों को डिवाइड करके जो निकालना आंसर निकाल लेना। लॉजिक समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है ठीक है, न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके, अब स्टार्ट ये लो, पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, बुलेट ब्लॉक के अंदर आ रहा है फिर इकट्ठे चलेंगे, फिर फ्रिक्शन लगेगा, चेक करो।
ऑप्शन तो है इसका बी। देखो पहला रूल तो इसमें क्या लगाना है, बुलेट जिसका मास गिवन है, तो एक बुलेट है इसका मास 0.1 केजी है और ये मूव कर रही है विद 400 मीटर्स पर सेकेंड। एक वुडन ब्लॉक है 3.9 केजी का जो रेस्ट पे पड़ा हुआ है। हुआ क्या, ये बुलेट इस ब्लॉक के अंदर आ गया और ये कॉमन वेलोसिटी से चल पड़ा। कॉमन वेलोसिटी कैसे निकलती है, मोमेंटम कंजर्वेशन। 0.1 इंटू 400 बुलेट का मोमेंटम है प्लस ब्लॉक का मोमेंटम जीरो है, इकट्ठा मोमेंटम 0.1 प्लस 3.9 इंटू कॉमन वेलोसिटी वीसी। तो वीसी की वैल्यू तो निकाल लेना, वीसी आ गया। अब वो कह रहा है कि 20 मीटर तक जो भी वीसी आएगा तो टोटल मास 4 केजी हो जाएगा बुलेट और ब्लॉक का मिला के। वीसी आपको पता होगा, ये पूरा सिस्टम 20 मीटर तक ट्रेवल करता है बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो आप यहां से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as से क्या निकाल सकते हो, a की वैल्यू निकाल सकते हो, a आ गया। फिर आपको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि रिटार्डेशन हो रही है। मैंने क्या स्टेप कराया था, रिटार्डेशन में ma को क्या पुट करना है, माइनस म्यू के इंटू एम जी। तो माइनस रिटार्डेशन है तो माइनस माइनस प्लस, तो m से m कैंसिल, a आ गया तो म्यू के कैन बी कैलकुलेटेड आंसर आ गया। तो मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमेंटम कंजर्वेशन आंसर क्या है, बी आंसर। हाँ छः, तो एक बुलेट है, बुलेट का मास गिवन है, फिर से एक बार मास ऑफ बुलेट गिवन है 10 ग्राम, ठीक है इतने केजी, और बैरल विद अ वेलोसिटी ऑफ 600 मीटर पर सेकंड से बाहर निकलता है। ये गन है, गन 3 केजी की है, तो गन पीछे जाती है तो क्या जाएगा, वेलोसिटी ऑफ गन आ जाएगा। तो मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट is mass of gun into velocity of gun. तो velocity of gun तो निकाल ही सकते हो, velocity of gun आ गई। आपको क्या निकालना है, impulse. Impulse क्या होता है, change of momentum. अब जो gun है, gun का mass क्या है, 3, और momentum के लिए क्या करेंगे, velocity of gun जो हम निकाल लेंगे यहाँ से, minus initial momentum क्या था gun का, 0. तो multiply करो, v of g 2 आ रहा है, solve करके 2 into 3 6 answer आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है, चेंज इन मोमेंटम ही इंपल्स है। हाँ छोड़ सकते हैं, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ डी है, क्या करना है, एफ निकालना है। तो जब भी ऐसा केस आएगा, इक्विलिब्रियम का केस है, लगा लेना, क्या लगाना, ये एफ है, ये टी ले लेना, ठीक है, टेंशन टी एंड टी है, तो ये 30 डिग्री ले लेना। टेंशन का एक कंपोनेंट क्या होगा, टी कॉस 30, और एक क्या होगा, टी साइन 30। इसका वेट क्या होगा, रूट 3g, तो एक फोर्स क्या बनेगी, टी ऑफ कॉस 30 इज इक्वल टू रूट 3g, और t sin 30 इज इक्वल टू f। इन्हें डिवाइड कर लेना, t से t कैंसिल, f की वैल्यू आ जाएगी। लैमिस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, लैमिस थ्योरम लगाइए, कंपोनेंट से हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्टिकल इक्वेट करके आंसर। पॉइंट समझ में आ रहे हैं, यहाँ तक कंपोनेंट ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, टी या एफ जो भी निकालना है आपने।
बी ए है भाई, ब्लॉक जिसका मास 5 kg है और वो टेबल पे पड़ा हुआ है, तो ये 5 kg का ब्लॉक है और ये टेबल के ऊपर है, और फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, 30 न्यूटन की फोर्सेस के ऊपर लग रही है और आगे की तरफ, और ब्लॉक स्लाइड करता हुआ जाता है 50 मीटर आगे की तरफ, ये रहा 50 मीटर है, इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड, ये 10 सेकेंड है क्योंकि फोर्स पता है। और यहाँ पर एक और चीज़, इसके क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है, इसमें क्या होगी, ठीक मैंने बताया था अगर फोर्स लग रही है तो इक्वेशन क्या लगेगी, इक्वेशन लगेगी एफ एफ माइनस, ये कैपिटल एफ आएगा, एफ कैपिटल एफ माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इज एम ए, फोर्स लग रही है ना इसलिए। तो एक्सेलेरेशन निकालने के लिए क्या लगेगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ए टी स्क्वायर से ए आएगा, ए को यहां पुट करके जो निकालना आंसर आएगा, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक क्या करना है इसमें, तो जिसमें फोर्स नहीं लग रही उसमें एम ए इज इक्वल टू म्यू एम जी, जिसमें लग रही है उसमें इक्वेशन बनेगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है जिसका मास 10 केजी है और सरफेस के ऊपर है, एफ एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, म्यू एस की वैल्यू 0.25 है, ब्लॉक विल जस्ट स्टार्ट टू मूव, जस्ट स्टार्ट टू मूव का मतलब क्या होता है, एक्सेलेरेशन जीरो, तो एफ की वैल्यू निकालनी है। तो एफ के दो कॉम्पोनेंट है, पहला एफ कॉस 30, एक एफ साइन 30। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पर, एन ऊपर और बॉडी का वेट कितना नीचे, बॉडी का वेट है क्या इसमें 10 kg, 10 g, तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेना, n प्लस f साइन 30 इज 10 into g, तो n की वैल्यू क्या आएगी 10 g माइनस f into साइन ऑफ 30, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई। यहां पे फ्रिक्शन कहां एड करेगी, पीछे करेगी काइनेटिक, बॉडी जस्ट स्टार्ट मूविंग तो एक्सेलेरेशन तो है नहीं, तो आगे की फोर्स इज इक्वल टू पीछे की फोर्स, तो f into cos ऑफ 30 is mu times normal reaction, ये normal reaction की value को यहाँ से यहाँ put करके जो निकालना निकाल देना, F की value आ जाएगी। देखता हूँ method समझ में आ रहा है क्या करना है, तो एक जैसे question तो पूछ रहा है वो, ठीक, तो इसका answer आ रहा है D, right।
भी है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि 45 डिग्री पे ये बॉडी है, तो इफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप इंक्लाइन इज टू टाइम द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग, तो म्यू आपको निकालना है। देखो एक काम करते हैं, आप जरा इसका आंसर देना पहले, कि पहला केस है जिसमें ये इंक्लाइन प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट ये बॉडी है जिसका मास m है, एंगल 45 डिग्री है, mg 45 साइन ऑफ 45 तो नीचे ही एक्ट करेगी किसी भी हालत में, बात ही खत्म है। मेरे को फोर्स लगानी है कहाँ पे, मुझे फोर्स लगानी है F1 ऊपर, ये केस नंबर 1 है, ऊपर फोर्स लगानी है और मैं इसे पुश कर रहा हूँ टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउनवर्ड ताकि नीचे ना आ जाए, मुझे डर है कि नीचे गिर रही है तो मैं फोर्स ऊपर लगा देता हूँ। तो इस बॉडी की टेंडेंसी कहाँ गिरने की है, नीचे की है, नीचे की है, तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगी, ऊपर, ठीक है, ऊपर एक्ट करेगी। अब केस नंबर टू फिर से एक बॉडी है, देखो बॉडी पड़ी रेस्ट पे ही है, दोनों केस में बॉडी ने मूव नहीं करना, एम जी साइन 45, मैं इस बार फोर्स F2 लगाऊंगा, इसमें टेंडेंसी थी कि बॉडी नीचे गिरने की कोशिश कर रही है, इस बार मेरी कोशिश है कि बॉडी ऊपर जाए, पर मैं मूव नहीं कर पा रहा, कोशिश तो कर रहा हूं ऊपर जाए, जोर लगा रहा हूं पर हिल नहीं पा रही, तो अगर इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की है तो फ्रिक्शन की टेंडेंसी नीचे आने की है, रहेगी रेस्ट पे ही, टेंडेंसी कह रहा हूं, वो नीचे गिरने की ट्राई कर रही है बॉडी, इसमें ऊपर पुश करने की कोशिश कर रहा हूं, तो दोनों में सिर्फ क्या चीज चेंज होगी, फ्रिक्शन। तो इसके अंदर जो फ्रिक्शन आएगी F1, अपवर्ड फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, ये लो, तो यहां से F1 निकाल लेना, फ्रिक्शन की वैल्यू पुट कर लेना जो करनी है, और यहां पे अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ऐसे, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स। अब वो क्वेश्चन में ये भी कह रहे हैं कि जो F1 फोर्स है वो टू टाइम्स F2 फोर्स है, तो F1 निकाल लो, F2 निकाल लो, फिर निकाल लेना जो निकालना आंसर है। इसमें कॉन्सेप्ट एक ही है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो इसमें करके ये दिखाया हुआ है, चेक करो, ये देखो एक बार फ्रिक्शन सब कुछ सही है, एक बार फ्रिक्शन की वैल्यू कहाँ पर है, नीचे है F, एक बार फ्रिक्शन ऊपर है F, तो यहाँ से F1 निकाल लिया, यहाँ से F2 निकाल लिया, दोनों में पुट करके म्यू निकाल लिया। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें, ये देखो जी बाय फोर वाला आ गया ना, इंक्लाइन प्लेन पे जी बाय फोर के साथ सेम क्वेश्चन किया था हमने, ये वाला कितना ए बी है, इसमें टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू स्लाइड 45 डिग्री रफ इंक्लाइन प्लेन इज एन टाइम्स जब वो स्मूथ है, तो आपने दो केस बनाने हैं इसमें। पहला केस ये बनाना है कि जब इंक्लाइन प्लेन स्मूथ है, तो मान लो आपकी बॉडी यहां से चली u इज इक्वल टू जीरो,
एस डिस्टेंस है, नीचे आई टी टाइम में, नीचे आई टी वन टाइम में नीचे आई, तो नीचे आने की एक्सलेशन क्या होगी, जी साइन ऑफ, एंगल क्या था 45, ये एक्सलेशन होगी। अप्लाई करो, एस इज जीरो प्लस हाफ इंटू जी साइन 45 इंटू टी वन स्क्वायर, इक्वेशन नंबर वन। फिर आप क्या करेंगे, इसमें फ्रिक्शन लेंगे, जब आप फ्रिक्शन लेंगे तो एम जी साइन 45 माइनस म्यू के एम जी कॉस 45, तो एक्सेलेरेशन क्या होगी, एम जी साइन 45 माइनस म्यू के एम जी कॉस 45 इज इक्वल टू एम ए, एम 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 कैंसिल तो ए आ गया। फिर अप्लाई करेंगे, एस इज जीरो हाफ ए इंटू टी टू स्क्वायर, ये पूरे ए टू को पुट करेंगे और यहां से क्या आएगा टी टू, यहां से क्या आएगा टी वन, टी टू की वैल्यू एन टाइम्स टी वन गिवन है, टी टू टी वन की वैल्यू पुट करेंगे साइमल्टेनियसली, मतलब इसको स्क्वायरिंग वाले जो भी करना है वो करेंगे आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, ठीक है, एक में एक्सलेशन बिना फ्रिक्शन के, एक में एक्सलेशन विद फ्रिक्शन है, कोई डाउट इसमें, ठीक, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अब सर्कुलर स्टार्ट है।